प्रधानमंत्री के आदेश पर जब घर जाने को बढ़े कदम तो दिल से निकली दुआएं। कुछ दिन पहले यह खबर प्रमुखता से चलाई गई थी कि यहाँ के एक कोल्ड स्टोरेज में 5 दर्जन से ज़्यादा कश्मीरी मजदूर फंसे हैं जो घर जाने के लिए परेशान हैं। इसमें कई ऐसे हैं जिनके घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक मजदूर तो ऐसा था जिसके यहाँ आने के 4 दिन बाद ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया और अपने पीछे वह 4 छोटे छोटे बच्चों को बेसहारा छोड़ गई। घर की परेशानियों के बारे में जब इन मजदूरों को पता चलता तो यह परेशान हो जाते थे और अपने मालिक से घर जाने की व्यवस्था करवाने की बात करते, मगर लॉकडाउन ने इन मजदूरों के कदम को भी रोक रखा था और मालिक के प्रयासों को भी। आज जब ज़िला प्रशासन ने इनको घर जाने की अनुमति प्रदान की तो इनके दिल से बरबस ही दुआएं निकल आईं। इनको घर भेजने का में सबसे बड़ा योगदान इनके मालिक को जाता है जिसने हर प्रकार से इनका ख्याल रखा। कहाँ जाएंगे कश्मीर में? बड़गाम, जिला बड़गाम। क्या दिक्कतें हुई लॉकडाउन के पीरियड में? बहुत सारी दिक्कतें हुई यार, जैसे आया वहाँ से 1 महीने काम किया, 3 महीने यहाँ बैठे थे, आप जाने की जिद कर रहे थे, यहाँ पे हुकाम कभी हमारी बात सुनते कभी कभी कभार नहीं सुनते। पहले भी आप आए, आज फिर दोबारा आ गए यहाँ, फिर हमने गुजारिश की हुकाम से, उसने हमारी बात मानी और हमारे लोग उठा उससे कहा आपके लिए अगर कोई आपको बैठने का जगह मिलेगा, खाने भी मिलेगा, बहुत भी मिल गया और जाने के लिए भी गाड़ी भी हम भेजेंगे, सारा भाड़ा वही देगा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं जा रहे हैं? अरे बहुत खुशी है हमें जाने के लिए, बहुत खुशी है। 4 दिन से आपके वहाँ मजदूर फंसे हुए थे कश्मीरी, आपकी क्या मंशा थी, आप क्या चाहते थे और कितना प्रोसेस करना पड़ा इनको कश्मीर भेजने के लिए? हाँ, इसमें जो है 50 दिन से ऊपर कम से कम हो गया इनको यहाँ पे फंसे हुए। हम तो यही चाहते थे कि जब जब बेचारे हमारे पास ऑफिस में आते थे कि भैया बड़ी दिक्कत और परेशानी हमारे साथ है, हम पैसा देने को अपना राजी हैं। अरे कितना पैसा बेचारों के पास है? मैंने कहा आप लोग पैसे ऐसे मत दो भैया, राशन के पैसे हम लोग देंगे अपने, सब कुछ करेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ हम लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं, आप लोग आराम से यहाँ पर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। मैंने जो भी चीज़ें हमारी तरफ से जितना बन पड़ रहा था हमारी कंपनी की तरफ से सब चीज़ इनको मैंने मुहैया करा दी। उसके बाद हमने बहुत, प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की, हर एवज से मदद की। हमारे चौकी इंचार्ज साहब ने, SHO साहब ने, EDM साहब ने, SDM साहब ने, DM साहब ने, पूरी टीम ने प्रशासन की हमारी इतनी मदद की कि इनको यहाँ वहाँ से कश्मीर जितने भी लोग हमारे पास आए थे सबको वापस कश्मीर पहुँचाने के लिए सब ने बहुत हमारी मदद की। अब जा करके जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब आदेश आया कि लोगों को जितने भी लोग फंसे हुए हैं सबको अपने अपने गंतव्य तक के पहुंचाया जाए, तब हम लोगों ने पूरी तरीके से कोशिश की, ADM साहब ने कोशिश की, हम लोग को बस मुहैया कराई, बस का पैसा हम लोग अपने पास से दे रहे हैं, लेकिन पूरी इन लोग की बिना कोशिश के हम लोग के जितने भी पल्लेदार फंसे हुए थे यहाँ पर वो लोग वापस अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाए। कितना पैसा बस का पड़ रहा है? 1,20,000 रुपये पड़ रहा है, ये आपने दिया? हाँ। अच्छा, इस दिन ये लोग आपको वहाँ थे तो आप भी कुछ फिक्रमंद रहे होंगे? वो हर दिन सुबह फोन आ जाता था, रात में फोन आ जाता था, कोई बीमार है, कोई रो रहा है, किसी घर से फोन आ गया, किसी घर में कोई किसी मेल की कमी हो गई तो बेचारा कोई ना कोई परेशान है, तो परेशानी की तो बात तो है ही है। अब हमारा भी फर्ज है हमारे अंडर में काम करें तो तरीके से, तो हम लोग को उनकी छत्र छाया में हमारे हैं तो उनका तो ख्याल तो रखना ही हम लोगों को है। ठीक है।